नई सोच नई उमंग, आओ चलें बचन राणा के संग। कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार बचन सिंह राणा, जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई की मशीन है। 19 मई 2019 को सिलाई की मशीन के सामने वाला बटन दबाकर बचन सिंह राणा को कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी एवं समाजसेवी बचन सिंह राणा ने अपने चुनाव प्रचार के तहत रविवार को चंबा जिले के तिसा, चूरा, डलहौजी, बानीखेत, नकरोड़ में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर बचन राणा ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां गरीबी दूर करने के नारे देकर आज तक गरीबों का मजाक उड़ाती आई हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण गरीब जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली मासिक पेंशन है। आज के दौर में भी गरीब परिवारों को 500 और 600 रुपए मासिक पेंशन सरकारें देती हैं। कभी कभार इस पेंशन में 30 या 50 रुपए की बढ़ोतरी करने के बाद सरकारें इसका ढिंढोरा पीटती नहीं थकती। लेकिन क्या किसी राजनीतिक पार्टी के नेता ने ये सोचा है कि इस राशि में गरीब का गुजारा कैसे होगा? ऐसे में मेरा प्रयास रहेगा कि गरीब जरूरतमंद परिवारों को कम से कम 3000 रुपये मासिक पेंशन मिले। बचन सिंह राणा ने कहा कि बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेता इस पर बोलना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भी प्रमुख राजनीतिक दलों की गलत नीतियों के कारण बढ़ी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह उन्हें इन चुनावों में आशीर्वाद दें ताकि वह अपने समाज सेवा और जन कल्याण के ध्येय को और मजबूती से आगे बढ़ा सके। गरीबी को बढ़ावा दिया और बेरोजगारी, युवाओं को बेरोजगारी दी है। मैं सभी से अपील करता हूं, इस बारे आप मेरा काम एक साल से जो मैंने कांगड़ा चंबा में काम किया है, आप उसे देखें और उसे देखकर आप एक तराजू में इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को डालें और एक तराजू में मुझे डालें और जिसने ईमानदारी से काम किया हो आप उसके ऊपर मेहर लगाएं। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं पूरे भारतवर्ष में आदिवासी क्षत्रिय महासभा विदेश की सबसे पुरानी 1897 की संस्था है। ये ऐसे लोग हैं जो 500 से 600 रुपए की पेंशन देते हैं। मैंने पेंशन के लिए एक बहुत बड़ा पूरे देश में मुहिम उठा रखा है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर पेंशन दी जाएगी तो पेंशन 3000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। मैंने एक शिक्षा, एक देश, एक कानून का मुद्दा उठाया है। मैंने एट्रोसिटी जैसे भयानक, जो ऐसे काला कानून जैसे मुद्दे हैं, उनको पूरे देश में पूरी सड़कों पर नाप डाला है। मैंने जो रिजर्वेशन जो जिन्हें चाहिए उन्हें नहीं मिलती गरीबों को।